नमस्कार, मैं समोद समोद की रसोई में आपका स्वागत है। आज अपन बनाएंगे जीरा आलू। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें मैंने 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाल लिया है और गैस ऑन करती हूँ। अब अपना तेल अच्छी तरह गर्म हो जाएगा, उसके बाद अपन इसमें जीरा डालेंगे। तेल अपना गर्म हो गया है, इसमें जीरा डाल देती हूँ। जीरा इसमें अपन ज्यादा ही डालेंगे थोड़ा, क्योंकि जीरा आलू बना रहे हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह अपन हिला देते हैं। तो इसमें डाल देंगे हम अभी एक हरी मिर्ची, डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट एक चम्मच। इसमें बहुत ज्यादा छींटे उछलते हैं, तो आप अपना ध्यान भी रखना साथ साथ। मैंने 8 आलू लिए, इनको मैंने छोटा छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। उबले हुए आलू थे अपने, इसको मिला देते हैं अच्छी तरह। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसमें अपन मसाला डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मिर्च लाल और 2 चम्मच डाल देंगे नमक। और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। इसको पकाना अच्छी तरह मिला के, लगा देती हूँ इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। अपन ढककर ताकि इसको चेक करते हैं। इसमें डालोगे अब थोड़ा 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, इसको अच्छी तरह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अपनी सब्जी की। और उसको 1 से 2 मिनट और पकाऊंगी मैं। मैं डालती हूँ इसमें थोड़ा अमचूर पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, इसको अपन चला देते हैं। अपन गैस बंद कर देंगे और उसके तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए मैंने 1 चम्मच घी लिया है और इसको घी को अच्छी तरह अपन गर्म कर लेते हैं। इससे थोड़ी सी अपनी सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाएगा। गरम हो गए, इसमें अब डालूंगी मैं जीरा और इसको थोड़ा भून लेते हैं इसमें घी में। अपना जीरा भून गया, अब अपन लगा देते हैं इसमें तड़का और इसको एक बार बंद कर दे, जिससे इसकी खुशबू अंदर ही रह जाए धीरे धीरे। अपन
ढक्कन हटाते हैं और अपनी सब्जी को अपनी सब्जी में जीरे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अब अपन ने फ्रेश धनिया धो के अच्छी तरह काट लिया, इसके ऊपर डाल देते हैं।